आज हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के छात्र आपके सामने वर्ल्ड टीबी डे जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव रामपुर में मोहनलाल का परिवार रहता था। तो आइए चलते हैं मोहनलाल के घर पर। आप सबको क्या लगता है, क्या मोहन को तांत्रिक के पास जाना चाहिए था अपनी इस बीमारी के लिए? क्या मोहन के घर वालों का यह निर्णय सही था? आइए देखते हैं। आलतू जलालतू आय बला को टालतू अकरम बकरम सब हजम। नमस्ते बाबूजी। देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। इधर आओ मोहन, क्या ना माँ जी, इसमें तो कोई चुड़ैल का साया लग रहा है। चुड़ैल? बाबा ये कैसे भागेगी? घबराओ मत, इसका एक उपाय है, जाके तुम नींबू मिर्च और 2,000 रुपए लेके आओ। जी बाबा, अभी लाए। तांत्रिक बहू घर गई और थोड़ी देर के बाद कुछ रुपए और सारा सामान लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। ये लीजिए बाबा जी, जो मंगाया था हम ले आए। अकरम बकरम सब हजम अला बला सब हटा। ये लो माँ जी, अब ये ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद बाबा। आइए देखते हैं कि अब 2 हफ्ते के बाद क्या होता है। और इस बीमारी के लिए आपको छाती की एक्सरे करवाना, बलगम का जांच करवाना पड़ेगा और उसके बाद टीबी आता है तो 2 सेंटर से इसकी कुछ महीने दवाई चलेगी। डॉक्टर साहब, इससे मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, आप अपनी दवाई टाइम पर लगातार ये लेते रहना और बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है? धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो देखा आप सबने कैसे एक अंधविश्वास के चक्कर में मोहन की ये हालत हो गई थी। तो आपसे भी गलती मत करना, अगर आप में से किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, बुखार, वजन कम हो रहा है या फिर भूख नहीं लग रही है तो आप जल्द से जाकर अपने किसी पास के हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह लेना। देरी मत करना, टीबी का इलाज पूरी तरीके से मुमकिन है। हमें टीबी से डरना नहीं है, हम सब
सबको साथ में मिलके टीबी को हराना है। तो आइए जानते हैं हम टीबी को फैलने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको टीबी है तो आप अपना मुंह और नाक ढककर खांसे, और अगर आपके पास कोई कपड़ा या रुमाल नहीं है तो आप अपने कोहने का यूं इस्तेमाल करके छींक सकते हैं। और यहाँ वहाँ न थूके, अगर थूकना हो तो चलते पानी जैसे कि नलके को चला के थूके। टीबी को ना कहे जीवन को हाँ करे, हर सांस मायने रखता है, आओ टीबी का रोकथाम करें। अगर चाहते हो टीबी का समय पर इलाज तो 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी को ना करे नजरअंदाज। टीबी से बचाव करे अपनों का ख्याल करे। आवाज उठाओ, टीबी को जड़ से मिटाओ।